हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप थ्री बेस्ट एंड्रॉयड लॉन्चर के बारे में। अगर आप लोग आपके फ़ोन के लिए एक लॉन्चर ढूंढ रहे हो तो आप लोगों को कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है, आप लोग जिसके लिए यूज़ कर रहे हो वो लॉन्चर यूनिक होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए और ईजी टू यूज़ होना चाहिए। दूसरा है, इसमें कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। समझ लो कि कोई भी लॉन्चर आप लोगों को पसंद आ गया और उसको फ़ोन में यूज़ करने में फ़ोन बहुत लैगी हो रहा है तो आप लोगों को उस लॉन्चर को यूज़ करना नहीं चाहिए। तीसरा, सिक्योरिटी। ये लॉन्चर यूज़ करने के बाद फ़ोन में कोई भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और चौथा है, फ्री। बहुत सारे लॉन्चर ऐसे कि आप लोगों को पेड देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में टॉप थ्री बेस्ट फ्री लॉन्चर के बारे में बात करने वाले और सभी लॉन्चर की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इन सारे लॉन्चर में आइकॉन पैक का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो प्ले स्टोर में आप लोगों को बहुत सारा आइकॉन पैक देखने को मिलता है। अगर आप लोग चाहते हो कि टॉप फाइव बेस्ट आइकॉन पैक के ऊपर वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट करके बताना। सो मैं कुछ आइकॉन पैक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हो। और इन आइकॉन पैक को यूज़ करने के बाद लॉन्चर का लुक और भी दुगना हो जाता है। सो बहुत ही अच्छा दिखने को लगता है। आप लोग लॉन्चर के साथ साथ इन आइकॉन पैक को भी यूज़ कर सकते हो। पहला लॉन्चर है पोको लॉन्चर 2.0। ये बहुत ही अच्छा लॉन्चर है, आप लोगों को प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। इस लॉन्चर में सारे ऐप को आप लोगों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देता है जो कि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाते हैं और ईजी टू यूज़ है। इसमें कोई भी लैग वगैरह कुछ दिखाई नहीं देता है। और अगर आप लोग इसका सेटिंग में जाओगे देख सकते हो बहुत सारा फीचर है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। चलो मैं आप लोग इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। नंबर टू में आता है नायग्रा लॉन्चर प्रो। इसका दो वेरिएंट देखने को मिलता है, एक नॉर्मल नायग्रा लॉन्चर और दूसरा प्रो वर्सन। अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग प्रो वर्सन ले सकते हो, अदरवाइज आप लोग नॉर्मल वर्सन यूज़ कर सकते हो। इसका लुक बहुत ही अच्छा है, इसमें ऐप आप लोगों को ए टू जेड शॉर्ट में होता है और ये बहुत ही यूनिक देखने को लगता है और ऐप ढूंढने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और इसमें सर्च के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं आप लोगों को, जिसकी वजह से आप लोग कोई भी ऐप को आसानी से ढूंढ सकते हो। और अगर आप लोग इसको प्राइम वर्सन लेते हो तो और भी बहुत सारा फीचर देखने को मिलता है। इसमें हिडन ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और बाकी तो आप लोग देख लो ये कैसा होने वाली है। नंबर थ्री में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक बेस्ट लॉन्चर है और इसमें लैग सिक्योरिटी इसका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को और ये एकदम बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आप लोगों को कोई भी पैसा लगाने का ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आप लोगों को डिस्प्ले लेआउट का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अल्फाबेटिकल लिस्ट, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को फिल्टर मिल जाते हैं जिसकी वजह से आप लोग अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो और बहुत ही अच्छा है। और इसका सेटिंग में भी बहुत सारे आप लोग को फीचर देखने को मिल जाता है। इसमें हिडन ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जिसकी वजह से आप लोग कोई भी ऐप को हाइड कर सकते हो और बाकी तो इसका यूज़ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। सो ये था टॉप थ्री बेस्ट अमेजिंग लॉन्चर और प्ले स्टोर में आप लोगों को बहुत सारा लॉन्चर देखने को मिलता है। सो इस वीडियो में आप लोगों को तीन लॉन्चर के बारे में बताया है और बाकी और भी लॉन्चर के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत ही जल्द इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो पे, अब तक के लिए बाय।